एवरी वन वेलकम टू देशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड की साइंस की बुक और उसका सेकेंड लेसन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि जानवरों में पोषण के बारे में आज हम बात करेंगे लास्ट क्लास में चैप्टर वन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं कहने का मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे जीते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन ज़्यादातर जानवर ऐसा नहीं कर पाते जानवर डायरेक्टली सीधे तरीके से या इनडायरेक्टली अपना जो खाना है वो प्लांट से हासिल करते हैं अब जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी तरीके के खाने खाते हैं भिन्न भिन्न तरीके का मटेरियल खाते हैं और उनकी बॉडी जो है उसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देती है या कन्वर्ट कर देती है ताकि उससे एनर्जी निकाली जा सके तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की कितना खाना खाना चाहिए और उसको कैसे शरीर जो है यूटिलाइज करता है वो हर जानवर में अलग एक तरीका होता है तो हम सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं जानवरों की फूड हैबिट्स के बारे में और उस हिसाब से जानवरों को तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है जिस तरीके का वो खाना खाते हैं सबसे पहले हर्बी वर्ड्स सेकेंड कार्निवर्स और थर्ड नंबर पे आ जाता है ओमनी तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं हर्बी वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं जो हर्ब्स खाते हैं हर्ब्स हमें प्लांट से मिलती है तो रिलेटेबल है तो हर्बी वर्ड्स वो एनिमल्स होते हैं वो जानवर होते हैं जो सिर्फ पेड़ से मिलने वाला या पौधों से मिलने वाला सामान खाते हैं यानी मांस नहीं खाते तो खाते जो हैं, वो सिर्फ प्लांट्स हैं इसलिए उनको हर्बी बोलते हैं जैसे काउ गाय डियर गोट अबाफलो सेकेंड कैटेगरी कार्निवर्स ये वो वाले एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं लाइन हो गया टाइगर हो गया ये शिकार करके अपना पेट भरते हैं और तीसरी कैटेगरी आ जाती है ओमनीवोर्स ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं कहने का मतलब पेड़ पौधे से मिलने वाला सामान भी खाते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं जैसे कि एक डॉग हो गया कुत्ता या एक बियर वो एक ओमनीवोर्स है आज हम बात करेंगे कि खाना कैसे बॉडी के अंदर जाता है यानी कि मोड्स ऑफ फूड इनटेक खाना कैसे खाया जाता है बर्ड्स की बीक्स होती हैं, चोंच होती है, है जानवरों के मुंह होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं तो जो खाना अंदर लेके जाना है बॉडी के वो डिफरेंट जानवर डिफरेंट तरीके से लेकर जाते हैं जैसे स्पैरो की बात की जाए तो उसकी छोटी सी चोंच होती है जिससे वो बीज या वॉर्म्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स उठा के खाती है वैसे ही अगर हमिंग बर्ड की बात की जाए तो उसकी जो बीक है उसकी जो चोंच है वो लंबी और ट्यूब की फॉर्म में होती है जिसकी वजह से वो चोंच का इस्तेमाल करके फूलों के अंदर जो शहद होता है जो नेक्टर होता है वो कंज्यूम करती है वो खाती है अगर सांप की बात की जाए जैसे पाइथन हो गया तो वो पूरा मुंह खोल के एक बारी में झपट्टा मार के अपना जो शिकार है वो खा लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्वेलो कर लेता है जानवरों को तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि खाना कैसे अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी के लेकिन अब वो खाना बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लास्ट uh, क्लास में मैंने आपको बताया था हेट्रोट्रॉप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते दूसरों से डिराइव करते हैं छीनते हैं तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है वो भी हमने लास्ट क्लास में किया था थोड़ा सा बट इसमें हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे तो सबसे पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है जो हम हेट्रोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन तो ये जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन का मतलब जिस तरीके से खाना जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है उससे एनर्जी लेती है तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है जो जीव जंतु होते हैं वो डेड मरे हुए और डिके करने वाले मैटर पे निर्भर करते हैं तो ये करते क्या है ये ऑर्गेनिजम्स जाकर वो डेड समान के ऊपर एक छोड़ते हैं मतलब मुंह से कुछ निकालते हैं जिसकी बदौलत वो जो खाना है वो उनके खाने लायक हो जाता है जैसे इंसान जब मुंह में खाना डालता है तो हमारा जो सिलाईवा है जो थूक है वो कुछ ऐसे एम्जाइम्स पदार्थ छोड़ता है जिसकी वजह से खाना छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और हमारे लिए अंदर निकलना आसान हो जाता है वैसे ही जो सेप्रोफाइट्स हैं वो कुछ एंजाइम्स अपनी बॉडी से छोड़ते हैं जिसकी वजह से जो खाना है वो एब्जॉर्ब हो जाए उनके लायक हो जाए खाने के फिर वो सोल्यूबल फॉर्म में बन जाता है और वो उसको खा लेते हैं तो इस तरीके का जो प्रोसेस है जो उनकी बॉडी के बाहर होता है एक्स्ट्रा होता है कुछ तो इससे उसका नाम पड़ा है एक्स्ट्रा डाइजेशन मतलब सेल के उनके बाहर उनके शरीर के बाहर फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं फंजाई हो गया या सॉइल में एक बैक्टीरिया पैदा होता है वो बाहर छोड़ के खाने को उस में बदलकर फिर कंज्यूम करता है सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो कई बार जैसे मैंने आपको बताया बिन बुलाए अगर आप किसी के घर चले जाते हैं तो बोला जाता है अरे ये तो पैरासाइट के तरीके से हमारे से चिपक गया ठीक है तो वो बेचारा जो आपको होस्ट कर रहा होता है वो दुखी हो जाता है कि अब ये कब जाएंगे तो वैसे ही पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो बिन बुलाए मेहमान होते हैं जो आके किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ जिसको हम होस्ट बोलते हैं चिपक जाते हैं उनसे सब न्यूट्रिएंट्स खाना फूड अपना ऑपटेन करते हैं तो जब पैरासाइट्स हैं इजी तरीका अगर तो वो बॉडी दूसरे होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं ऑन रहते हैं उसे एक्टोपैरासाइड बोला जाता है एक्टू पॉपकॉर्न से याद रखना बाहर लेकिन अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते एंटर कर जाते ई एन से एंटर ई एन से एंडो पैरासाइट उनको बोला जाता है तो दो तरीके के हो गए जो बाहर ही आके चिपक गए और जिन्होंने दूसरे की बॉडी को अपना घर ही बना लिया जैसे कि राउंड वार्म हो गए टेप वार्म हो गए लाइस जो जुए डल जाती है लीश हो गया ये सब ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन के जरिए जीते तीसरी कैटेगरी है होलोजोइक न्यूट्रिशन इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है जो खाना है वो बॉडी के अंदर ले लिया जाता है और उसके बाद बॉडी के अंदर लेके जाने के बाद उसको छोटी फॉर्म में सॉल्यूबल फॉर्म में जो डाइजेस्ट की जाए उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एमिबा में ये प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस होता है होलोजोइक मतलब हम खाना ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उसके बाद उसे उस फॉर्म उस में चेंज करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले एमीबा के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर बताऊंगी पहले हम ह्यूमन बींग्स अपने खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं ह्यूमन बींग्स इंसान अपने खाने के लिए प्लांट्स पे भी निर्भर करते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं तो खाना जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो डिफरेंट स्टेप से होता हुआ डाइजेस्ट होता है पहला जो स्टेप है, उसे हम कहते हैं इंजेशन यानी इन लेना उसके बाद डाइजेशन मतलब पचाना उसको फिर होता है थर्ड नंबर पे एब्जॉर्बन उससे इंपॉर्टेंट पदार्थ जो है उनको एब्जॉर्ब करना चौथे नंबर पे आ जाता है एसिमुलेशन एब्सॉर्ब करके उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजना और पांचवें प्रोसेस पे आ जाता है इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं जो बचा हुआ मटेरियल है वो बॉडी से बाहर फेंक देना तो इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है इंजेक्शन जिसमें हम खाना जो है बॉडी के अंदर लेते हैं हमारे जो दांत हैं वो खाने को चबाने में छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं उसके बाद होता है डाइजेशन इस प्रोसेस में क्या होता है जो बड़ा सामान होता है खाने का उसको छोटे सिंपलर फॉर्म में बदला जाता है जिसके लिए हमारी बॉडी अलग अलग तरीके के केमिकल्स, जिसको हम एंजाइम बोल देते हैं वो रिलीज करती है तो ये जो सामान रिलीज होना शुरू होता है ये हमारे मुंह से होना शुरू होता है माउथ से जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं और इससे क्योंकि हम बोलते हैं इसे हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं तो जो एम्जाइम्स रिलीज होते हैं या डाइजेशन स्टार्ट होता है वो इस मुंह से स्टार्ट होता है बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और ये पूरा होते होते नीचे जाता है नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी बॉडी का कि किस तरीके से खाना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है थर्ड नंबर पे आ जाता है एब्जॉर्प्शन यानी कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया है पच गया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे करके छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाय बोलते हैं वो क्या करते हैं इम्पोर्टेंट खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खून ब्लड वेसल्स में भेज के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं ताकि एनर्जी मिल सके तो बेसिकली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इसलिए भी जाता है कि वो काम करे एनर्जी मिले और वो ग्रो करे अगर कहीं चोट लग गई है तो वो मेंटेनेंस के काम भी आता है फिफ्थ नंबर पे आ जाता है इजेशन यानी कि जो बचा हुआ खाना है जो नहीं पच पाया जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमेंट्री कैनाल से बाहर फेंक दिया जाए कहने का मतलब बॉडी से बाहर फेंक दिया जाए तो ये पांचों के पांचों प्रोसेस जो ह्यूमन डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं इनको समझते हैं कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स ऑर्गन इसमें काम करते हैं आप एक बार डायग्राम देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और नीचे जाके एनस पे रुकता है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक लंबी पाइप जो है जो नीचे तक जाती है उसको हम लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं माउथ से लेकर एनस तक तो होता क्या है रोटी जो कॉम्प्लेक्स समान है उसको हम अपने मुंह में डालते हैं फिर पूरा बॉडी जो है अलग अलग स्टेप्स में एंजाइम्स रिलीज करके सब्सटेंसेस जिसे हम केमिकल्स बोलते हैं वो रिलीज करके उसको खाने लायक बनाती है उसे पचाने लायक बनाती है उससे एनर्जी निकाली जाए इस लायक बनाती है और उसके बाद उस जो समान है जो हमारे काम का है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है तो चलिए एक बार समझते हैं आप डायग्राम में देखिए आपको माउथ दिखाई दे रहा होगा उसके बाद आपको नीचे एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी उस ट्यूब को हम बोलते हैं ओसोफेगस उसके बाद आपको डायाफ्राम दिखाई दे रहा होगा ये ज्यादा डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता लिवर दिख रहा है पैनक्रियाज दिख रहा होगा येलो कलर का एक बोरी के तरीके का शेप का ऑर्गन दिख रहा होगा जिसे हम स्टमक कहते हैं फिर दो ट्यूब दिख रही होंगे एक बाहर डार्क कलर में उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और एक अंदर जो बहुत कॉइल्ड है और लंबी होती है उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अंदर है लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की तरफ को है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाके रुकता है और बॉडी उसे बाहर फेंकती है एनस के जरिए तो चलिए एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं फूड सबसे पहले या खाने को हम अपने मुंह में डालते हैं जहां से वो बकल कैविटी में जाता है इसे हम ओरल कैविटी बक्कल कैविटी माउथ बोलते हैं यहाँ पे खाने को च्यू किया जाता है चबाया जाता है दांतों की मदद से अलग अलग तरीके के दांत होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में ही हमारा जो सेलाइवा है थूक है वो भी मिलता है खाने के साथ जो सेलाइवा है वो सेलेवरी ग्लैंड से निकलता है मतलब वो कहां से आता है थूक सेलेवरी ग्लैंड से आता है मुंह में जिसके अंदर एम्जाइम्स होते हैं थूक के अंदर केमिकल्स होते हैं एम्जाइम uh, होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेस। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेवरी एमाइलेस जो खाने का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बड़ा पार्ट है जिसे हम स्टार्च कहते हैं उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है शुगर में तो याद रखना कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में एक बार वो छोटी फॉर्म में डिवाइड हो गया कन्वर्ट हो गया उसके बाद जो हमारी जीब है वो रोल करके खाने को पीछे की तरफ भेजती है ताकि वो हमारे ओसोफेगस के अंदर जा सके यहां पर आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है कहा गया है कि दो टेस्ट ट्यूब ले लो एक ड्रॉपर ले लो और कुछ बॉइल्ड राइस उबले हुए चावल ले लो और एक आयोडीन सोल्यूशन और पानी ले लो करना क्या है आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर चावल डालने हैं थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ी सी बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है अब आप देखोगे जो टेस्ट ट्यूब ए है वो अपना कलर बदल देती है क्योंकि उसमें आयोडीन सोल्यूशन है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या करना है सबसे पहले आपने चावल जो है वो अपने मुंह के अंदर लेने हैं चबाना है उसको जब तक वो छोटे पार्ट्स में ना डिवाइड हो जाए दो से तीन मिनट और फिर उसका एक हिस्सा टेस्ट ट्यूब में डाल देना है पानी डालना है और आयोडीन सल्यूशन डालना है तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है उसका जो रंग है वो बिल्कुल बदलता नहीं है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब आप खाने को चबाते हैं च्यू करते हैं तो उससे क्या होता है वो जो सेलेवा है जो सेलेवरी एमाइलेज छोड़ता है उसकी वजह से जो स्टार्च है खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर में तब्दील हो जाते हैं जिसका मतलब ये है कि वो स्टार्च टेस्ट नहीं देते वो स्टार्च नहीं ना रहता अगर वो स्टार्च होगा तो वो ब्लू कलर देगा आयोडीन डालने पे लेकिन क्योंकि वो स्टार्च बदल गया है शुगर के अंदर हमारे मुंह में इसीलिए वो अपना रंग नहीं बदलता ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी तो अब हमने किया था दांतों के बारे में पढ़ाई कि जो दांत हैं वो खाने को चबाते हैं देखिए जो दांत है वो हमारे जबड़े के अंदर होते हैं जॉ के अंदर होते हैं और इनको प्रोटेक्ट करता है एक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं इनेमल इनैमल हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट चीज़ है उसको हम इनैमल बोलते हैं तो जो एडल्ट इंसान है उसके 32 दांत होते हैं 16 ऊपर अपर जॉ में 16 ही नीचे जो ह्यूमन बींग्स हैं इंसान अपनी जिंदगी में दो तरीके के दांत पाता है जो पहले होते हैं 20 दांत छोटे वाले उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं ये तब पाता है जब वो एक बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तब की उम्र से लेके 6 से आठ साल तक वो मिल्क टीथ रहते हैं उसमें सिर्फ बीस दांत मिलते हैं आपको लेकिन धीरे धीरे जब वो टूटने लगते हैं मिल्क टीथ उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो होते हैं बत्तीस तो ये जो परमानेंट टीथ है इनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये अलग अलग काम करते हैं एक बार डायग्राम ध्यान से देख लीजिए सबसे पहले है इनसाइजर्स ये आगे वाले जो कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं जैसे आप बर्गर खा रहे हैं तो उसको कट करने के लिए इंसाइजर्स यूज किए जाते हैं फिर आ जाते हैं केनाइंस ये जो तीखे वाले होते हैं जिससे आप मीट को टियर ऑफ करते हैं या टियरिंग के काम आता है जानवरों के भी होते हैं स्पेशली डॉग्स के आपने देखे होंगे आगे वाले ये दो जो हैं तीखे तीखे उसके बाद आता है प्री मोलर्स जो च्यू चबाने के काम आता है और ग्राइंडिंग के काम आता है और फिर आ जाते हैं हमारे पास मोलर्स जो एंड में होते हैं ग्राइंडिंग के काम आते हैं तो ये चार टाइप्स हैं हमारे दांतों की जो एडल्ट इंसान में पाए जाते हैं अब एक बात आप लोगों को बतानी थी कि दांत खराब कैसे होते हैं खासतौर तो पे वो बच्चे जो बहुत ज्यादा स्वीट्स खाते हैं डेंटल कैरीज़ होती है कहने का मतलब दांत में कीड़ा लग जाना जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और अपने दांत नहीं साफ़ रखते उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो आपके दांतों पे आके अटक जाता है रुक जाता है बस जाता है तो अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते जिससे वो बैक्टीरिया दूर हो जाए तो वो वहीं पे रहता है और धीरे धीरे आपके दांत को खाना शुरू कर देता है कुछ एसिड छोड़ता है जिसकी वजह से दांत जो है वो गलना शुरू हो जाता है वो जो एसिड है वो पहले इनेमल को खत्म करता है और धीरे धीरे खड्डा क्रिएट कर देता है दांतों के अंदर इसीलिए बोला जाता है अगर मीठा खाते भी हो तो जरूरी है आप उसके बाद अपने दांतों को ब्रश कीजिए खास तौर पे रात के खाने के बाद अब एक और एक्टिविटी दी है बुक में सेकेंड एक्टिविटी जहाँ एक टेबल दिया हुआ है और आपको बोला गया है बताने के लिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई जीरो से लेकर छह साल की एज ग्रुप में है, तो उसके इन कितने हैं के कितने हैं प्री मोलर्स मोलर्स कितने हैं और टोटल दांत कितने हैं तो डिफरेंट एज ग्रुप्स दिए हुए हैं आप वो टेबल भर सकते हैं अगर आपने कभी भी वो टेबल भर लिया तो आप देखेंगे कि जो इन्फेंट्स हैं मतलब जो बच्चा अभी पैदा हुआ है और एक साल की उम्र के बीच में है तो पैदा होने से लेकर छह साल के बच्चे के जो दांत होते हैं बहुत कम होते हैं मतलब तीन किस्म के दांत मिलते हैं इनसाइजर्स कैनाइंस और प्रीमोलर जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है तो उसके मुंह में आपको 18 से 20 दांत मिल जाएंगे क्योंकि कुछ टूटते भी हैं और उसकी जगह फिर वो परमानेंट टीथ आएंगे लेकिन अगर आप कोई तीस साल का एडल्ट पकड़ते हैं इंसान पकड़ते हैं तो उसके जॉज में आप देखेंगे कि कम से कम नहीं तो बत्तीस दांत होंगे टोटल अगर पचास साल का कोई इंसान पकड़ते हैं तो वो कम हो जाते हैं दांत आखिरी वाले जो होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स तो ये हम लोगों ने पढ़ा टीथ के बारे में ये थी आज की क्लास अगला पार्ट टांग से आगे की डाइजेशन का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पर जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ पहला ये वो जो हमारे दांतों को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मटेरियल कवर करता है उसका क्या नाम है और सेकंड जो हमारे दांत हैं वो कितने किस्म के होते हैं और उन किस्मों के क्या क्या नाम है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन टेक केयर बाय बाय